हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमाज किचन एंड रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के लिए राज कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मेजरमेंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राज कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा जितनी ही बारीक वाली सूजी लेनी है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस मेजरमेंट्स के साथ 10 राज कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। सूजी पानी ज़्यादा सोखती है, इसलिए सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब गीले कपड़े से ढककर इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। 10 से 15 मिनट बाद छोटी पूड़ी के साइज़ की लोई लेंगे। बेलने में आसानी हो इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे। अब इसको छोटी पूरी के साइज का पतला बेल लेंगे। ध्यान रखें सब तरफ से एक जैसा बेलना है। राज कचौरी को फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद एक एक करके राज कचौरी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर फ्राई करना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने पर बाहर निकाल लेना है। सेम प्रोसेस से सारी कचौरी को फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इनको ठंडा होने देंगे। अब हम राज कचौरी की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। सबसे पहले बॉईल किए हुए आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके लेंगे। इसमें बॉईल किए हुए काबुली चना डालेंगे, बॉईल की हुई हरी मूंग की दाल, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नींबू डालेंगे। अब मसाले ऐड करेंगे। मसालों में डालेंगे जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। राज कचौरी को सर्व करने के लिए हमें स्टफिंग के साथ ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और दही चाहिए। अगर आपको ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम राज कचौरी को सर्व करते हैं। राज कचौरी बेसिकली बनारस की रेसिपी है और बनारस की रेसिपी में मोस्टली आपको दही अलग अलग चटनियों के साथ चाट वाली फीलिंग आएगी। राज कचौरी को बेसिकली चाट के जैसे ही सर्व किया जाता है। आप अपने स्वाद अनुसार स्टफिंग, चटनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।